अब इसुजु की सर्विस ड्यू है भाई, पिछले कुछ टाइम से ऐसा नहीं लग रहा है कि बस गाड़ियों का ही काम हो रहा है सिर्फ, अब इसकी सर्विस ड्यू है, इसकी करवा कर आ गए, और अभी दिल्ली गए थे वो वॉल्वो का काम कराने गए थे, इसका काम करा दिया, पता नहीं भाई ऐसा लग रहा है, इसके टायर डला दिए तो नए, ऐसा लग रहा है बस गाड़ियों में ही लगा हुआ हूँ। सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई ये पसीने देख रहे हो, पसीने, ये सुबह 6 बजे हैं भाई, कहाँ ले लद्दाख में, ओहो क्या वादियाँ थी, क्या सर्द हवाएं थी, और यहाँ राजस्थान में गर्मी से परेशान निकल गए भाई दिल्ली के लिए, वॉल्वो का कुछ काम कराना है, और खोपड़ी में से एक लेयर उतर गई है, एक और उतरेगी तब वापस कलर ओरिजिनल आएगा वापस। शेड्यूल्ड टाइम था 6 बजे का, 6:05-07 पर निकल गए, बस इतना ही लेट हुए भाई, इससे ज्यादा लेट नहीं हुए। और सुबह सुबह का माहौल हमारे आदर्श नगर का कुछ भी नहीं है ना, ना पहाड़ है, ना बर्फ है, ना वादियां हैं, ना झरने हैं, ना झील है, ना नदी है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बस। भाई घर से जब जल्दी निकलना होता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि नींद आ रही होती है बढ़िया शानदार, और उठ के निकलने में आलस आता है, और जब अपन बाहर जाते हैं ना तो 3 बजे 4 बजे वैसे ही नींद खुल जाती है, जाना हो या ना जाना हो, वहां से कहीं पे भी 5 बजे निकलना हो 4 बजे निकलना हो कोई दिक्कत नहीं होती, बट घर में भाई 8 बजे से पहले उठना थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि भाई थोड़ी देर और सो लें और सो लें। आज भी सुबह 4:30 बजे अलार्म बजा तो मेरे को ध्यान ही नहीं था कि सुबह जल्दी निकलना है, अपने को लगा कि वैसे ही बज गया होगा पुरानी वाली वहीं की अलार्म जो था वो सेट होगा वो बज रहा होगा, फिर ध्यान आया आज तो दिल्ली निकलना है भाई। तो भाई 4:30 बजे के उठे हुए, 9 बजे पहुंचे राव पर, लेकिन हमारी लॉयल्टी जो राव के साथ है ना वो भाई बरकरार है, हम रुके तो थे हाईवे किंग पे भी पर सुसु करके निकल गए, खाया नहीं हुआ कुछ भी हमने भाई, नाश्ते का एकदम परफेक्ट टाइम 9 बजे, राघव भैया मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, राघव क्या लेगा, करकरी आया था पहले से ही, तो फिर क्यों देख रहा है, क्यों टाइम खराब कर रहा है। तो भाई मेरा पराठा दही आ गया है, मीठी लस्सी आ गई है, बाकी मीनू के तो छोले भटूरे आएंगे, राघव का पराठा है मेरा, मीनू के छोले भटूरे भी आ गए हैं, राघव के फोन की स्क्रीन ग्रीन हो गई है तो इसने अब हमारे जीवन में भी ग्रीन ग्रीन, अरे क्या हो रहा है देखो इसमें कैसे दिख रहा है, करियो राघव इधर घुमाइयो, वीडियो में ऐसे लाइनें चल रही हैं। और फाइनली राघव का डोसा भी आ गया भाई, ये देखो देख रहे हो भाई साहब, रॉयल जिनके प्लांट बिकते हैं ना वो ऐसे ही पीछे लेट जाते हैं भाई। गुड़गावा के जाम ने स्वागत कर दिया है हमारा, लास्ट वाला जो टोल है मानेसर वाला उससे पहले लगा हुआ है जाम पूरा जबरदस्त, रोज का काम होगा भाई जिनका ऑफिस आवर्स होगा ये 10 बजे अभी। ये भाई जो सील की लीकेज थी ना उसके लिए अपन ने गाड़ी दे दी है गुड़गावा वॉल्वो में, और ये लेफ्ट राइट दोनों ही सील डलेंगी, पूरा एक दिन छोड़नी पड़ेगी गाड़ी, फिलहाल निकल रहे हैं घर के लिए, इसको यहीं पर छोड़ के संडे को लेंगे फिर वापस। हाँ आसमान में टांग दी भाई भाई सील दोनों चेंज होनी है इसलिए गाड़ी छोड़ दिया वॉल्वो के वर्कशॉप पे ही, टैक्सी पकड़ के जा रहे हैं घर, अब संडे को जब निकलेंगे वापसी तभी उठाएंगे गाड़ी को, बीच में तो क्या ही लेने आएंगे क्योंकि शाम तक का तो काम उसमें ऑलरेडी है ही। ये भाई लेफ्ट साइड में ना पूरी मार्केट है टू व्हीलर्स की, सेकेंड हैंड यूज टू व्हीलर्स की मार्केट है सुभाष नगर, ये क्या आने वाला है सुभाष नगर आने वाला है ना उससे पहले भाई, शुरू शुरू में जब गाड़ी खरीदनी थी ना जब बहुत कम कमाई हुआ करती थी, ये देखो पूरे टू व्हीलर से खड़े हैं, यहाँ पे भी आए थे कि यहाँ से टू व्हीलर ले लें, ये देखो लाखों की तादाद में टू व्हीलर है, लाखों की तादाद में भाई, अगर इस पूरी मार्केट में गिनने जाओगे ना तो कई लाख टू व्हीलर मिल जाएंगे आपको। फिर फाइनली भाई ये जो बजाज है ना स्वदेशी बजाज, यहाँ से ली थी पल्सर अपनी, फर्स्ट पल्सर लाल रंग की, नंबर क्या था उसका ध्यान नहीं भाई, चाय पीने आए हैं चायोज पे, और चाय कितने की है, अरे 169 की कौन सी ले ली हमने, चलो पी के देखते हैं भाई। भाई निकल गए हैं फाइनली दिल्ली के सारे काम करके, और गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है, भरी दोपहर में इसलिए निकले ताकि रास्तों में भीड़ ना मिले, देखते हैं भाई जाम ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम को रिंकू जी के फंक्शन में पहुँचना है टाइम से, 7:30-8 बजे तक पहुँच जाएँ तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल जा रहे हैं वॉल्वो के सर्विस सेंटर, वहाँ पे देखते हैं गाड़ी का काम हो गया है, गाड़ी उठाएंगे फिर निकल जाएंगे सीधा जयपुर। भाई दोपहर के 3:15 बजे और ये हाल देखो भाई, भरी दोपहर में ये हाल है, गुड़गावा पहुँचने के लिए मेरे को लगता है 1.25 घंटा लग जाएगा मेरे को जनकपुरी से कम, जहाँ तक निगाह जा रही है भाई ये जाम ही जाम है देखो,
भाई गाड़ी हो गई अपनी रेडी, बिल बताएंगे आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि क्या है वो सील का पैसे सुन के ना झटका सा लग गया है भाई। टंकी पड़ी थी खाली पूरी, 6350 रुपये का तेल आ गया है आज तो भाई, मोटे मोटे झटके लग रहे हैं। ये भाई सील दिखाऊंगा ना, सील ये है, ये 30,000 रुपये की जो सील बदली है। बारिश आ गई भाई गर्मी से राहत देने के लिए, मतलब इतना बुरा हाल हो रहा था गर्मी से, इतना बुरा हाल हो रहा था, पसीने पसीने बुरा हाल हो रहा था, अब आ गई है बारिश तो भाई थोड़ा सा मौसम सुहाना हो जाए तो मज़ा आ जाए भाई। इसुजू को सर्विस कराने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि आए हुए भी आज 10 दिन हो गए हैं, टाइम ही नहीं मिला, क्या करें, लेकिन इकोस्पोर्ट को ले जाना पड़ रहा है सर्विस कराने के लिए, क्योंकि शायद आज इसका फेयरवेल होने वाला है। आज देखो अगर हो गया सब कुछ तो चली जाएगी, अपनी एक गाड़ी कम हो जाएगी, पहली बार गाड़ी बेच रहे हैं, बहुत टाइम से कोई गाड़ी बेची नहीं है, तो इसको आज निकाल देंगे, सर्विस कराने जा रहा हूँ फिलहाल। बड़े बड़े लीकर लैंड खुल गए हैं भाई राजा पार्क में भी, तरक्की पर चल रहा है राजा पार्क। बीपर जो है की वजह से क्या बारिश हो रही है जयपुर में पिछले 3-4-5 दिन से, और सामने आप देखो ना पहाड़ हरे हो गए। तो राजस्थान क्या मानसूनस में तो ठीक है, मतलब अपना जयपुर, पूरे राजस्थान की तो मैं नहीं कह सकता, बट जयपुर मानसूनस में तो बढ़िया है, जब मानसून होते हैं तो मज़ा आ जाता है, सब तरफ हरियाली हरियाली रहती है, सब पहाड़ हरे हो जाते हैं। बाकी भाई गर्मी तो अनबियरेबल है, गर्मी का क्या इलाज करें, कोई इलाज नहीं है भाई। 9:30 बजे का शेड्यूल्ड टाइम था भाई, 9:35 हुए हैं और अपन पहुंच गए KS फूड। 5 मिनट इसलिए लेट हो गए क्योंकि 5 मिनट बिल्डिंग में गप्पे मारने लग गए थे, सिर्फ उतना ही फर्क आया है। अब इन्होंने बोला तो ये था 9:30 आ जाना एकदम ऐसे टाइम पे, जैसे बिल्कुल 9:30 बजे काम शुरू कर देंगे, तो भाई देखते हैं अभी खुद आए भी हैं कि नहीं। भाई क्लास में फर्स्ट आए हो ना आए हो, लेकिन सर्विस में फर्स्ट आ गए बिल्कुल। जितने भाई लोग अपनी गाड़ी की सर्विस खुद जाके कराते हैं भाई, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, अगर अपन अपनी गाड़ी की सर्विस खुद खड़े होकर करवाना चाहते हैं, मतलब गाड़ी के पास खड़े होकर देखना चाहते हैं कि काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई कंपनी को प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फोर्ड में हालांकि पहले तो नहीं थी दिक्कत, पिछली बार आया जब, लेकिन इस बार जैसे अंदर गया तो बोले साहब अंदर जाके बैठ जाओ, माथा पोड़ी होती है, पता नहीं भाई उनको प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आया। तो अगर किसी को ये समझ में आता हो कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं भाई। अरे भाई 10:55 हो रहे हैं, बिल बना दिया लेकिन गाड़ी अपनी वॉशिंग हुई नहीं अभी, मतलब अभी तो सफाई का काम चल रहा है, अभी शुरू किया है भाई लोगों ने, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो कम से कम सफाई में लगेगा, लेकिन उन्होंने अपने 90 मिनट का जो टारगेट था उसके हिसाब से बिल बना दिया। भाई रंग वापस से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, और जो टैनिंग हो गई थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है, और फोर्ड इको स्पोर्ट की 60,000 किलोमीटर की पूरी सर्विस 6,000 रुपये में हो गई, जिसमें फिल्टर आ गया, ऑयल आ गया, डीजल फिल्टर आ गया, एसी फिल्टर आ गया, एयर फिल्टर आ गया, सब कुछ आ गया 6,000 रुपये में, लेबर वेबर सब आ गया। और वॉल्वो की भाई, वॉल्वो की एक सील बदलने की लेबर इससे ज़्यादा है, मतलब सिर्फ लेबर लेबर इससे ज़्यादा है एक सील बदलने की, मतलब सील ही साली इससे ज़्यादा है भाई। हाथी है हाथी, रंग सफ़ेद नहीं है लेकिन सफेद हाथी है वो। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड भाई, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो ना, क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं, कर दिया करो सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।